हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे अक्सर बहुत सारे सेलर्स की इस तरीके की क्वेरीज आती हैं जो हमसे कोर्स परचेज करते हैं। तो उनकी अक्सर इस तरीके की क्वेरीज आती हैं कि हम यूपीसी या ईएएन कोड के अंदर अपने प्रोडक्ट की डिटेल किस तरीके से ऐड करें। जब सामने वाला पर्सन कोड को स्कैन करे तो उस बार कोड को स्कैन करने के बाद प्रोडक्ट की डिटेल, सारी डिटेल प्लस जो भी डिटेल वो ऐड करना चाहें, वो स्कैन होने के बाद उसके अंदर आए, तो वो किस तरीके से हो। तो आज इस वीडियो में दोस्तों, मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आपको जैसे कि पता है कि मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल के साथ आपको बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल देने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूपीसीएन कोड्स में आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मैंडेटरी है, ठीक है? और इसके अलावा आप अदर डिटेल्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं कोड के अंदर, ये पॉसिबल अदर डिटेल्स पॉसिबल हैं या नहीं हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ वीडियो शुरू करते ही कि यूपीसीईएन कोड के अंदर आप प्रोडक्ट्स की डिटेल ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? इसके अलावा आप यूपीसीईएन बार कोड के अंदर कोई भी डिटेल ऐड नहीं कर सकते। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये तो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। GS1 के जो कोड्स होते हैं उसमें तो प्रोडक्ट की डिटेल आती है, या अदर कोड्स, ऐसे बहुत सारे कोड्स हैं जिनको आप स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद, अगर आप ऑनलाइन स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद आपको डिटेल्स उनकी मिलती हैं, लेकिन जब आप बार कोड स्कैन करते हैं तो आपको उसकी डिटेल नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको बार कोड ही आएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दो कोड दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं GS1 का जो फॉर्मूला है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि GS1 क्या है और कैसे काम करता है। इसके अलावा अदर जो कंपनीज हैं वो कैसे काम करती हैं और ये कोड्स कैसे काम करते हैं। खासतौर पर ये वीडियो छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए हैं जिनके पास इतना बजट नहीं है कि वो GS1 जैसी कंपनी का सब्सक्रिप्शन ले सकें, जो कि 100 कोड का ही लगभग 44,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन होता है, और प्लस आपको वो 100 कोड जो है लाइव रखने के लिए आपको हर साल 9,500 रुपये देने होते हैं GS1 को। यानी कि जो आप 100 कोड भी यूज़ कर रहे हो वो भी आप एक तरीके से GS1 जैसी कंपनी से किराए पर ले रहे हो, वो भी आपके नहीं हैं। आप जैसे ही वो पैसा देना बंद करोगे तो वो आपके जो कोड्स हैं जो आप बना चुके हो GS1 की साइट पर, वो आपके एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्या फंडा है और ये GS1 क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, और ये कोड्स का मेन मेन जो चीज़ है वो है कोड्स। ये कोड्स का क्या फंडा है? अगर हम एक छोटे मैन्युफैक्चरर हैं तो हम कहाँ से कोड्स लेके आए और उन कोड्स में अपनी डिटेल्स कैसे ऐड करें, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक कोड दिखाता हूँ। पहले आप ये कोड देखिए, ये एक कोड है, ये एक ईएन कोड है जिसे आप देख सकते हैं, 890 सीरीज से स्टार्ट होता है, और आप देखेंगे इस पर ब्रांड नेम आ रहा है, ब्रांड नेम रेमबो, ठीक है? ये GS1 साइट नहीं है लेकिन एक बहुत ही अच्छी साइट है जिसे जिसे मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिटेल्स सर्च करने के लिए यूपीसीएन कोड्स से रिलेटेड, ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्रांड नेम आ रहा है रेमबो, और कंट्री आ रहा है इंडिया का कोड है, और ईएन कोड ये आ गया, ठीक है? इसके अलावा लास्ट स्कैन भी आ रहा है, कब ये लास्ट टाइम स्कैन हुआ था, और इसकी डिटेल्स भी आ रही हैं। तो ये डिटेल्स यहाँ कैसे आ रही हैं? एक्चुअली ये एक ऐसी साइट है दोस्तों कि ये साइट जो है वो मल्टीपल वेबसाइट से डाटा को सिंक्रोनाइज करती है और उसके हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स दिखाती है। तो ये कोड की जो डिटेल्स इस साइट ने उठाई है वो ebay.com से उठाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहा ebay.com, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट, ये कोड जो है ये ebay.com पर यूज़ हो रहा है जहाँ से ये साइट ये डिटेल उठा रही है, ठीक है? ये तो रही ये साइट। तो यहाँ पर ये 100% कन्फर्म हो गया कि ये कोड जो है बिल्कुल सही है, ठीक है? और ये कोड काम कर रहा है, ये ईएन कोड है, और इस पे ब्रांड नेम वगैरह सब कुछ सारी डिटेल आ रही है, ठीक है? तो इसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोड गलत है, ठीक है? मैं ऐसी चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को सिर्फ GS1 का ही बुखार होता है, तो चलो मैं उस पॉइंट पे भी आ जाता हूँ, थोड़ा GS1 का बुखार मैं हटा देता हूँ, दूर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को नॉलेज कम होती है इसके बारे में। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि आप फेक कोड सेल कर रहे हो और कोड्स GS1 के नहीं हैं, और आपके को वो आपके कोड्स सही नहीं हैं, आप बहुत गलत कर रहे हो लोगों के साथ।
एक्चुअली मैं या हमारी टीम गलत नहीं कर रही है, इशू क्या है कि आपको नॉलेज पूरे तरीके से नहीं है। तो इस कोड्स में हम आगे आ जाते हैं। तो ये कोड को मैंने GS1 पे सर्च किया। अब देखिए GS1 क्या बोलता है। आप देखेंगे यहाँ पर सर्च बाय GTIN, ये कोड मैंने डाल दिया। यहाँ पर ऑनरशिप मैंने डाली और आप देखेंगे GS1 क्या बोलता है। इस क्वेरी में GS1 की साइट पर क्या आ रहा है कि ये कोड जो है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी कि ये कोड GS1 से नहीं है। अब ये कोड GS1 से नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोड जो है गलत है या इसको कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये कोड 100% सही है। आप देखेंगे पार्टी नेम आ रहा है GS1 इंडिया और यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड एक इस तरीके का कोड दिखा रहा है। GLN है ये, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर GLN, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे इस कोड से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पर सर्च किया है 74, इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आ रही हैं, यहाँ पर जो है वो डिटेल्स नहीं आ रही हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप GS1 को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए GS1 एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, ये कोई सरकारी संस्थान नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनी क्या करती है, जब आप GS1 से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये क्या करती है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहां पर आप कोड के साथ अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल की एंट्री कर सकते हो, यानी कि आप कोड को अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ सकते हो, वहां पर डिटेल्स दिखा सकते हो। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जाहिर सी बात है जो भी इसका यूजर है उसके पास GS1 का सब्सक्रिप्शन नहीं है या उसका अपना बनाया हुआ ये कोड है, तो यहां पर ये बिल्कुल भी कोई भी डिटेल सिंक्रोनाइज आपको करके नहीं दिखा रही है, क्योंकि ये GS1 जो है सिर्फ उन्हीं पार्टीज की डिटेल्स दिखाती है जो इस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या GS1 का सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपके कोड्स जो है वो GS1 के ही हों। लेकिन इशू कहाँ पर आता है? इशू यहाँ पर आता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने इस तरीके की पॉलिसी बना ली है कि वो सिर्फ GS1 के कोड ही एक्सेप्ट करती हैं। मीन्स GS1 के कोड ही का क्या मतलब है, जिनके पास GS1 का सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ उन्हीं के कोड एक्सेप्ट करेंगी, उसके अलावा वो किसी थर्ड पर्सन का या किसी थर्ड पार्टी का कोड एक्सेप्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमेजोन, अमेजोन एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी, आपको अगर पता ना हो तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि अमेजोन ने 2019 से पहले GS1 नाम की इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया था और अभी अमेजोन ने एक अपनी ऐसी पॉलिसी बना दी है कि अमेजोन सिर्फ GS1 से रिलेटेड कोड ही एक्सेप्ट करता है। यानी कि अगर आपको अपना ब्रांड नेम कोई भी यूज करना है, अगर आपका कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और आप उस पर UPCN कोड यूज करना चाहते हैं तो आपके पास GS1 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, वरना अगर आप GS1 के बाहर से कोई भी कोड यूज करेंगे, अगर आपके पास अपना कोई पर्सनल कोड है तो Amazon आपको अपना ब्रांड नेम यूज नहीं करने देगा, उसमें आपके लिए इशू क्रिएट करेगा अगर आप UPCN कोड के साथ यूज करना चाहते हैं तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही कोड, अगर यही कोड आप Amazon पर डालेंगे तो आपको इशू आएगा, लेकिन ये कोड 100% सही है। ये इशू क्या है, Amazon खुद से, Amazon जैसी कंपनी जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, चलिए तो बात यह कि जो छोटे सेलर्स हैं वो किस तरीके से अपने कोड्स को जो है वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ और कैसे डिटेल अपनी शो कर सकते हैं कोड के साथ। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। ये एक डाबर कंपनी का प्रोडक्ट है, डाबर का च्यवनप्राश है। ठीक है, तो ये कोड है 8901207। चलिए मैं आपको इसको स्कैन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आ गए हम वापस और यहाँ पर हम डालेंगे, मैं टाइप कर देता हूँ ये कोड। ठीक है, 890, ये मैंने कोड यहाँ पर एंटर कर दिया डाबर का, जो मैंने आपको अभी दिखाया था ये वाला कोड। इसको मैं स्कैन करता हूँ, मैं आपको फंडा दिखाता हूँ। देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पर डिटेल आ गई, ब्रांड डाबर। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी दिखाएगा ये, आज इसमें इमेज नहीं दिखा रहा, वरना ये इमेज वगैरह सब कुछ दिखाता है। तो यहाँ पर आ गया डाबर च्यवनप्राश, इसकी डिटेल आ गई, 1 kg का है ये। ठीक है, इस तरीके से इसकी सारी डिटेल आ गई। ठीक है, अभी चलिए सेम कोड को मैं आपको GS1 की साइट पर दिखाता हूँ। डाबर एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ गए और इसको हम सर्च करते हैं, इसको सर्च करते हैं ऑनरशिप।
तो इसने दिखा दिया, जहां अभी दूसरे कोड पर ये कुछ भी नहीं दिखा रहा था, यहां पर देखिए क्वेरी सक्सेसफुल, डावर इंडिया लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पूरी डिटेल इसकी आ गई, यहां पर वेबसाइट वगैरह सब कुछ आ गई। क्यों? क्योंकि डावर ने GS1 का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, ठीक है। लेकिन मेन फंडा क्या है इसमें, अगर आप GS1 पे ऑनरशिप के अलावा इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कोड की, कि इस कोड पर कौन सा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर दिखा रहा है नो कैटलॉग एग्जिस्ट, देख रहे हैं आप, यहां पर डावर ने कोई भी डिटेल इस कोड के साथ नहीं ऐड की है GS1 के ऊपर। सिर्फ डावर ने क्या किया है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन GS1 का लिया हुआ है, लेकिन डावर जो है वो कोड जो है बाहर से जनरेट करके या कैसे भी यूज कर रहा हो, फिलहाल मुझे नहीं पता, मैं इसका कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन डावर जो है वो उसने इस कोड के साथ प्रोडक्ट की डिटेल यहां पर ऐड नहीं की है। जहां तक मुझे लगता है उसका रीजन क्या है कि देखिए GS1 पे इशू क्या है कि GS1 से अगर आप 100 कोड का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप 100 कोड्स की ही डिटेल एंट्री कर सकते हैं, उसके अलावा आप मतलब 101 एक्स्ट्रा एक कोड भी जो है वो उसकी भी डिटेल यहां पर बनाकर ऐड नहीं कर सकते, तो GS1 के साथ एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहां पर ये जो साइट है ये भी कहां से डिटेल उठा रही है, आप देख सकते हैं तीन वेबसाइट यहां पर देखिए ebay.com देख रहे हैं, ebay.com, ebay.uk, तो ये साइट यहां पर भी ईबे से सारी डिटेल जो है वो उठा रही है, ठीक है। होप इतना आप यहां पर समझ गए होंगे कि GS1 और बाकी अदर जो साइट्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, मेन टॉपिक पे आने के लिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये हमने खोला यहां पर, ठीक है, और ये मैं डावर की इमेज यहां से बंद कर देता हूं। तो मान लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, अब मैं मैन्युफैक्चरर वाले पॉइंट पर आ जाता हूं कि एक मैन्युफैक्चरर किस तरीके से अपने कोड्स जनरेट कर सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, इस बात को बड़े अच्छे से समझिएगा, अब अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और भले ही आप एक छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, फिर भी आपके लिए एक वेबसाइट मैंडेटरी है, आपके पास एक अपनी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, जहां पर आप जो भी कोड यूज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो GS1 के बाहर से कोड हैं, इशू क्या रहता है, आप जिस भी थर्ड पार्टी कंपनी में जाएंगे, मतलब आप कहीं अपने प्रोडक्ट्स को किसी मॉल में सेंड कर रहे हैं या कहीं भी सेंड कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम डिटेल को कैसे वेरीफाई करें, तो आप अपने कोड को अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आप UPC EAN कोड के अंदर कोई भी डिटेल्स डायरेक्ट नहीं डाल सकते कि बार कोड हम स्कैन करें तो सारी डिटेल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यही बार कोड है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखिए डिटेल आ गई, इमेज आ गया, ठीक है, लेकिन अगर आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो सिर्फ आपको ये कोड आएगा निकल के जो इसमें लिखा हुआ है, इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो डावर जैसी कंपनी भी क्या कर रही है, एक्स्ट्रा डिटेल दिखाने के लिए, आप देखिए यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे समझिए कि देखिए यहाँ बार कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो सिर्फ ये कोड आएगा जो हमने अभी वेबसाइट पर एंटर किया था, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू नो मोर एक्स्ट्रा, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उन्होंने एक QR कोड दिया है, तो आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के साथ QR कोड लगा सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि कस्टमर जो है वो QR, अगर हम कोड दे भी रहे हैं तो कोड को वेरीफाई कैसे करेगा, मेन बात ये आती है कि कोड को वेरीफाई करेगा कैसे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक कोड है जिसको मैंने यूज़ किया है, ये कोड बिल्कुल फ्रेश है, आप में से जो भी चाहे वो इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश कोड है। तो आप यहाँ देखेंगे लिखा गया EAN 13 और कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन इंडिया, आप देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि ये कोड फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश कोड है, तो इस पर आपको कोई भी डिटेल GS1 जो है वो नहीं दिखाएगा, ये देखिए सेम नो रिकॉर्ड फॉर्म, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोड गलत है, आप देख सकते हैं ये कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक मेरा कोड है जिसे मैं एक अपने प्रोडक्ट पे यूज करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर हूँ, और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप इसमें ऐसे मत लीजिएगा एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर हूँ और मैकबुक जो है वो बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक आपके लिए एग्जांपल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर हूँ जिसने अभी अभी काम की शुरुआत की है, और मैं एक ये मैकबुक बना रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, अब मुझे इस मैकबुक पर अपने इस कोड को यूज़ करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, प्लस इसकी डिटेल्स जो है वो ऑनलाइन कैसे दिखा सकता हूँ। मेन इशू ये है कि ये कोड को मैं वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरा कोई भी क्लाइंट है वो इस कोड को वेरीफाई करना चाहे
कि भाई ये मैकबुक पर मेरा कोड मान लीजिए लगा हुआ, कोई वेरीफाई करना चाह रहा है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, तो वो कैसे वेरीफाई कर सकता है, मेन पॉइंट ये है। तो देखिए इसके लिए क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट मैंडेटरी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, ये मैकबुक, ये मेरी साइट है, यहाँ पर मैंने मैकबुक एडिट किया, ठीक है। एडिट करने के बाद मैं सीधे डाटा में आ गया और देखिए यहाँ पर मैंने EAN कोड सेम जो है वो ऐड किया हुआ है। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए मेरा कोई भी क्लाइंट है, वो क्लाइंट ये कोड को मेरी वेबसाइट के ऊपर स्कैन करता है ये वेरीफाई करने के लिए कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, तो क्या होगा, ये मेरी वेबसाइट आ गई और ये मैं होम पेज पर वापस आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ कोड डालता हूँ, अभी आप देखिएगा सिर्फ कोड डालने पर क्या होगा, देख रहे हैं ऑटोमेटिकली मैकबुक आ गया, यानी कि ये कोड मेरा 100% ओरिजिनल है, जो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ मैं इस कोड को अपने मैकबुक के लिए यूज़ कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली मैकबुक आ गया। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ सीधे, तो सर्च रिजल्ट में सिर्फ आपको ये मैकबुक दिखाएगा, इसके अलावा ये आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि मैंने ये कोड जो है अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। तो UPC और EAN कोड जो है इनको ऐड करने के लिए देखिए बैकग्राउंड से एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। UPC EAN कोड के साथ आप डिटेल्स जब ही ऐड कर सकते हो जब आपके पास एक इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जहां प्रोडक्ट की डिटेल्स को जॉइंट कर सको UPC EAN कोड के साथ, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर किया है। इसके अलावा ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता कि आप बार कोड के अंदर सीधे डिटेल्स को ऐड कर दो, ठीक है। बार कोड के अंदर आप कभी भी UPC EAN कोड के बार कोड के अंदर आप डिटेल्स कभी भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको और आपकी जानकारी की चीज़ बता देता हूँ। तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट ये था कि ज़रूरी नहीं है आपके कोड्स GS1 से हों, आप अपने खुद के कोड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बस आपका कोड सही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, अगर पॉसिबल हो तो आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप कोड यूज़ कर रहे हो, उनको मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स साइट पर अपने प्रोडक्ट को सेम कोड के साथ अपलोड करिए, जैसे कि गूगल मर्चेंट, गूगल बिजनेस, वहाँ पर आप अपने कोड के साथ जो है अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करिए, तो वो ऑटोमेटिकली इन वेबसाइट्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अगर आपके पास ईबे जैसी कंपनी का सेलर अकाउंट है और वहाँ अगर आप प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए आप इसमें सीधे अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स सीधे ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी API का ऑप्शन दिया हुआ है, आप API के थ्रू फ्री API ये देते हैं और आप यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट को जो है अपलोड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट अपलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं होता, इसके लिए आप इनकी सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको बता देंगे कि आप किस तरीके से API के थ्रू प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इस जैसी वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट हो, अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट की डिटेल अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो कोड है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड जो है वो पब्लिश हो जाएगा और उसके साथ अपने आपके प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो भी पब्लिश हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं अपना बार कोड बना रहा हूँ, तो बार कोड के साथ मुझे किस तरीके से डिटेल्स ऐड करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ बार कोड जनरेटर, ये फ्री बार कोड जनरेटर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको जनरेटर दिखा देता हूँ, ये जनरेटर है, ये कंपनी है, इन्हीं का ये बार कोड जनरेटर है जो बिल्कुल फ्री है, आप इस साइट से सीधे जाकर इस बार कोड जनरेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक बार कोड बनाया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर EAN कोड यूज़ किया और यहाँ पर मैंने A1 मैकबुक का एक बार कोड बनाया है। इसके साथ मैंने क्या क्या किया है, देखिए यहाँ पर देखिए है QR कोड जनरेटर, तो मैंने QR कोड में क्या किया है कि QR कोड में मैंने QR कोड जनरेट किया है। इस सॉफ्टवेयर में आप इस तरीके से कोड जनरेट कर सकते हैं, देखिए कंपनी नेम A1 क्वालिटी, प्रोडक्ट मैकबुक, EAN मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्रोडक्ट के साथ, वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया है, कौन सा लिंक, ये प्रोडक्ट वाला लिंक जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये वाला लिंक मैंने इसका डाल दिया है, तो कोई भी अगर वेरीफाई करना चाहेगा तो वो कर लेगा इस कोड के थ्रू, ठीक है, इस लिंक के थ्रू कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, अगर किसी को एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो वो यहाँ से भी ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने एक दिखाने के लिए एड्रेस डाल दिया है और अपना ईमेल और फ़ोन नंबर डाल दिया है। तो इस तरीके से आपको QR कोड अपने बार कोड्स के साथ जनरेट करना है,
और जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ये है मैकबुक का बारकोड, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर आप इसको स्कैन करेंगे, अभी आप इसको स्कैन करके देखिए, तो आपको सिर्फ ये कोड आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ भले ही ए1 मैकबुक, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ आपको कोड आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोड्स जनरेट कर लीजिए सॉफ्टवेयर के थ्रू, और QR कोड अपने प्रोडक्ट, अपने बार कोड के साथ लगाइए इस तरीके से। ये QR कोड है, अगर आप अभी इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ जो मैंने डिटेल इस सॉफ्टवेयर में डाली हैं, ये जितनी डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली। आप इसे चाहें तो अपने फ़ोन से स्कैन करके देखिए, मैं कुछ सेकेंड के लिए रुक जाता हूँ, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर डाबर ने लगाया हुआ है, उस तरीके से आप अपना QR कोड जो है वो अपने बार कोड के साथ लगाइए, और अपने प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर जरूर लिंक करिए इस तरीके से हर एक कोड के साथ। मान लीजिए इस मैकबुक में मेरे पास चार कलर हैं, तो चार कलर के अलग अलग कोड होंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, मुझे पता होना चाहिए अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ कि ये मेरा कोड जो है वो इस मैकबुक के लिए इस कलर के लिए यूज होता है, तो मेरे पास चार अलग अलग कोड होंगे और वो चारों कोड मेरी वेबसाइट पर इस तरीके से सिंक्रोनाइज होंगे प्रोडक्ट वाइज। तो क्या होगा कि कस्टमर जब भी कोड मेरी वेबसाइट पर डालेगा तो इस तरीके से वो वेरीफाई कर पाएगा कि हाँ प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल है, फेक नहीं है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से कोड्स को यूज कर सकते हैं। GS1 का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप अपने खुद के कोड्स भी, बाहर से कोड्स लेकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, आपका कोड यूनिक होना चाहिए। खास तौर पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप किसी भी थर्ड पार्टी के कोड्स यूज ना करें। मान लीजिए GS1 में किसी कंपनी, आपने यहाँ पर कोड डाला और किसी कंपनी की डिटेल आ रही है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको अभी डाबर का दिखाया था, तो आप उस तरीके के कोड बिल्कुल भी ना डालें, वो इलीगल है। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो वो आप इलीगल काम कर रहे हैं, दो नंबर का काम कर रहे हैं। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो जो कंपनी का ऑनर है वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, एक लीगल एक्शन ले सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो आपके कोड्स यूनिक होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास GS1 का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपके कोड्स से कोई भी डिटेल GS1 की साइट में नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो उस तरीके का कोड आप बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है वो दो नंबर का काम कर रहे हैं, और जो कंपनी का ओनर है वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसने सब्सक्रिप्शन के लिए एक बहुत मोटी फी दी है, ठीक है, तो आप उसके कोड उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दोस्तों इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, आप सिर्फ वही कोड्स यूज़ करिएगा जो यूनिक हों, किसी भी सेलर से मैच ना करते हों, ठीक है, और उसकी कोई भी डिटेल GS1 पे ना आ रही हो, अगर आपने GS1 से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी हो इसके लिए इसको शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज मैं अक्सर देता रहता हूँ। वैसे देखिए ईमानदारी की बात यह कि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेजी हूँ, तो थोड़ा कम वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन जब भी बनाता हूँ तो मैं इस तरीके की बनाता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।